आईपी भी नेपाली है। सबसे पहले मैं आज के डेरा प्रमुख तिलक जी को प्रणाम करता हूं। सच बता रहा हूं कि जितनी शिद्दत से वो अनामिका जी को देख रहे हैं, इनके अंदर बैठे आसाराम को भी प्रणाम करता हूं। जैसे आपने कहा बहू आ रहा है, इन लोगों ने तो पानी की बोतल भी नीचे से उठा ली। हरियाणा है, पीने के मामले में पूरी दुनिया दारू में वैसा पानी मिलाती है। हरियाणा के आदमी को दारू देख के मुंह में इतना पानी आ जाता है कि पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। और बढ़िया कमाल का वैसा भी समझदार आदमी खड़ा है। आपने बहुत देर बाद किसी नेपाली को ढंग का काम करते हुए देखा होगा, नहीं तो आप होटल में पहुंचाओगे तो बेचारे ऑर्डर ही लेने के काम। बहुत अच्छी टीम है, आपने बहुत अच्छी राष्ट्र की कविता सुनाई। जैसे ही मैं पैदा हुआ था, मैं भी वीरस का कविता सही बता रहा हूँ तिलक जी। आईने के सामने खड़े होकर दो दिन प्रैक्टिस करी सौरभ भैया, शुरू हुआ उनका तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, जालिमों के राज बदल देंगे। पत्नी पीछे से बोली, पहले मोजे बदल लो, 15 दिन से मोजे नहीं बदले। मैं समझ गया लफड़ा हो गया इसका। स्थिति पूरी बिल्कुल विरोध में जा रही देश की। मैं समर्थन की बात करूंगा, बहुत अच्छा पढ़ा कल्पना जी। इस देश के हरियाणा के लोग बहुत सीधे हैं, जो है उसी के पक्ष में बात नहीं करते। अभी महिला की बात करी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो एक लड़की के चक्कर में 10 लड़के फेल हो रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। हरियाणा की पुलिस मुस्कुरा रही है और वो भी जनता के सामने। भगवान विठल ने तो हरियाणा की पुलिस जब मुस्कुराई है, जनता की हिम्मत नहीं हुई। और जब जब जनता हंसी है, शानदार पुलिस है साहब, इतनी बढ़िया पुलिस है। मैंने तो सच बता रहा हूँ, मैं तो देख के बता सकता हूँ भाई साहब, पत्नी और पुलिस में ज्यादा अंतर नहीं होता। जो अपनी पत्नी के साथ आए, सीने पे हाथ रख के अगर मैं बात कह दूं तो तालियों के महोत्सव से बहन के समझ जाना। चंद्र जी को छोड़ देना, मैं पिछली बार उनकी टांग खींच चुका हूँ। भाभी कहाँ गई है? भाभी है साथ में, कहाँ है? यही है क्या? भाभी प्रणाम करता हूँ आपको। आपने 16 सोमवार में पक्के में कुछ खा लिया होगा। मैं तभी समझ गया, बहुत अच्छा बोलते हो आप, सच बता रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा कि तू किस्मत वाली है, तुझे ऐसा पति नहीं मिला। बहुत बढ़िया सुन रहे हो आप, मैं सच बता रहा हूँ। पत्नी और पुलिस का साफ ज्यादा अंतर नहीं होता, जो पत्नी के पास बैठे हैं समझ लेना, ज्यादा अंतर नहीं होता। आप रात में जरा सा लेट हो जाओ, पत्नी भी पूछती है कहाँ से आ रहे हो। पुलिस भी थोड़ी घटबोल हो जाए। पत्नी पूछती है कहां से पीके आ रहे हो। पुलिस भी। और तीसरी टिप्पणी ठक से दिल में लग जाए तो तालियों के महोत्सव से बता देना कि बात समझ में आ गई साहब। पत्नी 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 भी आपके जेब में पैसे नहीं देख सकती। पत्नी 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 नाराज हो जाए तो ससुराल जाने की बात करती है। और 5 मिनट टिप्पणी लगे कि मैं इंटेलिजेंट लोगों के बीच हूं तो मुझे बता देना साहब। पत्नी 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 अगर हाथ उठा दे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। टिप्पणी आप लोगों के बीच रखता हूँ साहब, सच बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कहीं से भी पत्नी नहीं आना साहब। शुरू के शादी के 3 साल तक बिल्कुल स्लिम दुबली पतली, उसके बाद हिंदुस्तान में कर रहा हूँ, बड़े दिल वाले लोगों के बीच कर रहा हूँ, और सच्ची
टिप्पणी कर रहा हूँ तो पुलिस के सम्मान में लगातार 30 सेकंड ताली बजा के बताना कि लक्ष्मण नेपाली तूने सही टिप्पणी की। मित्रों अगर पत्नी अगर पत्नी अगर पत्नी अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पुलिस कमर कस ले तो पूरे देश को स्वर्ग बना सकती है।